हाथरस एसडीएम ने स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ फोकस अल्ट्रासाउंड पर की छापेमारी और की नोटिस की कार्रवाई। आपको बता दें, हाथरस के सासनी गेट चौराहे पर स्थित होकर अल्ट्रासाउंड के संचालकों द्वारा कोरोना काल में भी जमकर मरीजों का शोषण किया जा रहा है। इसकी शिकायतें जिला प्रशासन को काफ़ी समय से मिल रही थी। ताज़ा मामला फोकस अल्ट्रासाउंड संचालक द्वारा एक मरीज से सीटी स्कैन के नाम पर ज़रूरत से अधिक पैसे मांगे गए, जिसकी शिकायत मरीज द्वारा जिला प्रशासन से की गई। मरीज की शिकायत पर एसडीएम सदर अंजलि गंगवार ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ फोकस अल्ट्रासाउंड पर छापेमारी की और वहां जांच पड़ताल कर संचालकों को नोटिस देने के साथ ही कारण बताओ नोटिस देकर समय सीमा में जवाब देने के लिए कहा गया। वहीं सख्त लहजे में संचालक को ताकीद कर दिया गया है कि आगे से मरीजों से उचित पैसे लिए जाएँ। सेंटर में सीटी स्कैन के चार्जेस जो है वो ज़्यादा लिए गए थे, उसी के संबंध में यहाँ जांच की गई है। उनको निर्देश दिए गए कि जो भी अनुमान्य रेट है उन्हीं पर ही जांच की जाए, उससे ज़्यादा पर बिल्कुल भी नहीं की जाए। उनको एक नोटिस भी दिया जा रहा है, एक नोटिस भी दिया जा रहा है इसके संबंध में, और उसको 3 दिन का समय दिया जा रहा है कि उसमें जवाब देंगे। शिकायत सही थी क्या? देखिए, ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ अब भारत।